A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today in this class we will continue our fourth chapter, that is quadratic equations. Recently हमने आपको quadratic equations के बारे में उसका basic introduction क्या होती है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले, सब बताया था. लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स थे बच्चों के, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम से वो कराए थे. अब हम हमारे फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अक्सर हम सेकंड कर रहे थे 4.2, जिसमें हमने सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे. जो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके चार या पांच कुछ पार्ट्स थे, उसमें बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व किया था, तो वो हमने किया. अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. उससे आगे सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो वर्ड्स प्रॉब्लम लाइक जैसी कुछ हैं, वो हम अब सोल्व करने जा रहे हैं. हालांकि मेथड वही रहना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व उसी मेथड से करना है. किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से. करना कैसे है वो देखें. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज ओपन योर बुक एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हो सकता है कि आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया हो कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच आर गिवन इन एग्जाम्पल एसओ एंड सो. तो जो एग्जाम्पल आप वहाँ से उठाएंगे, वो एग्जाम्पल कौन कौन से, उसमें कौन कौन से इक्वेशंस हैं, तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा वो लिख रहा हूँ मैं. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू ज़ीरो. ये आपके पास क्या है? इक्वेशन है. इसको आपको फिर से सोल्व करना है. तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? सॉल्यूशन हमारा ये कहता है कि सर आप इस दी हुई जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. हम क्या कहते हैं जनरली, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेरिजन करते हैं दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तब क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इट विद, किससे? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. फॉर व्हाट? टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है? यहाँ पे वन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? वन. कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी, और बी यहाँ पे कितना है बेटा? माइनस 45. एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज 324. अब फैक्टराइजेशन क्या कहता है? ए और सी की प्रोडक्ट और बी जो है वो सम. आप ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिनकी प्रोडक्ट तो ए और सी की प्रोडक्ट के इक्वल आए और उनका सम क्या आए? बी के इक्वल आए. अब ये देखिए, ए और सी मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ. यहाँ पे ए आपका 1 है और सी बेटा आपका 324 है, और बी है बेटा आपका माइनस का 45. मतलब आप ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 324, और बी कितना रहना बेटा आपका? माइनस का 45. मतलब वी हैव टू चूज टू नंबर इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज पॉजिटिव एंड व्हेन वी ऐड देम द सम इज नेगेटिव. मतलब ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट करें तो पॉजिटिव हो जाए प्रोडक्ट, और उनको सम करें उनका हम तो सम हमें नेगेटिव नंबर मिले. तो दो नंबर का सम नेगेटिव कब होता है? जब दोनों नेगेटिव होंगे, जाहिर सी बात है. ठीक है भाई, दो नंबर का सम हमें करना है और उनको नेगेटिव में लाना है, इसका मतलब दोनों नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव. और प्लस की प्रोडक्ट कब आती है दो नंबर की? दो नंबर की प्रोडक्ट प्लस तब ही आती है जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हों या फिर दोनों कैसे हों? नेगेटिव हों. तो बोला सर यहाँ पे केसेस क्या क्या अराइज होंगे? अराइज ये होंगे कि जो दो नंबर आप चूज करेंगे वो दोनों कैसे होंगे? माइनस के. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं. आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 2, फिर 2 से करो 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, और फिर 3 से बेटा 3. ये हमने इसके फैक्टर कर दिए. तो फैक्टर में नंबर कौन कौन से आपके पास? टोटली ये हैं सारे फैक्टर्स. इन फैक्टर को इस तरह से एडजस्ट करो कि उनका सम तो कितना आए? 45, और प्रोडक्ट तो ये आनी है, क्योंकि बेटा इन सब की प्रोडक्ट क्या रहनी है? यही रहनी, क्योंकि ए सी के तो फैक्टर हैं.
अब बस सिर्फ आपको इनमें से ऐसे उठा के एडजस्ट करने हैं कि सम क्या आ जाए, 45 आ जाए। देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 और 4 ये कितना हो गया, 9 और 4 36। 9 और 4 36। तो 36 माइनस 9 कितना होता है बेटा, ऐड करो आप, -45। कितना होता है, -45। प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 36 9 जा 324। इट मीन्स जो फैक्टर हमने करे हैं, जो फैक्टर यहाँ से होंगे इस नंबर के, वो हमने क्या लिए हैं, -36 एंड -9। तो इसके फैक्टर क्या हुए बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस कितना, 36x माइनस 9x एंड प्लस हाउ मच, 324 एंड दैट इक्वल टू व्हाट, 0। अब क्या करेंगे, इन दो से कॉमन लेंगे और इन दो से कॉमन लेंगे, तो इन दो से कॉमन क्या आएगा बेटा, देखिए एक्स कॉमन है नंबर में, तो वेरिएबल्स में, नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक्स अगर कॉमन लेऊंगा, जब एक्स के में से आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओनली एक्स, यहाँ से एक्स गया, क्या बच गया, 36। माइनस 9 कॉमन आएगा दोनों से, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस मेरे को चाहिए, तो मैं माइनस 9 कॉमन लेऊंगा, क्या बच गया यहाँ पे बेटा, एक्स। जैसे माइनस कॉमन लेऊंगा तो प्लस में से माइनस बाहर गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती, तो एक माइनस गया तो एक तो माइनस बच गया, 9 3 जा 27, कितना बचता है, 5 4 9 6 जा 54। देखिए आप, मैंने आपको बताया था जब आपने फैक्टर किए थे कि जब कॉमन लेने के बाद जो टर्म आती है उसमें हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो हमेशा सेम आने चाहिए, क्यों, क्योंकि हम फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस 36। तो यहाँ क्या बचा बेटा, ओनली एक्स, और यहाँ क्या बचा, माइनस 9। एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। इट शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज व्हाट, 0। इट मीन्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज 0, ये कहता है कि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है, जब या तो उन दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज 0, इट शोज दैट आउट ऑफ दीज टू नंबर आइदर वन ऑफ 0 और बोथ आर 0। तो हम क्या कहेंगे, आइदर x माइनस 36 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू हाउ मच, 36 एंड x इक्वल टू 9। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ वी सोल्व द सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को लिखेंगे, लिखने के बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी जो रियल कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि ए सी की प्रोडक्ट क्या है और बी क्या है। चूज द नंबर इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर मस्ट बी इक्वल टू ए सी एंड व्हेन वी ऐड देम वी गेट द वैल्यू ऑफ बी, जो बी की वैल्यू वो मिले। एंड पुटिंग दीज वैल्यूज इन द पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दीज आर द फैक्टर्स और वी कैन से सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन क्या होगा, वो वैल्यू इन वेरिएबल्स की जो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं और ये क्या बन जाए, अपने आप में 0 बन जाए बस, या फिर एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाए, आर एच एस, वो सभी वैल्यू क्या कहलाएंगी, सोल्यूशन कहलाएंगी, राइट। इसका सेकेंड पार्ट है एज इट इज़ है बेटा, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो एज इट इज़ है, डू योर्स वेल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको खुद को करना, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे, खुद फैक्टर नहीं करेंगे, खुद समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हम बैठे हैं आपको बताएंगे, ठीक है। प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आप दो नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम तो कितना दिया आपको, 27, और उनकी प्रोडक्ट कितना बेटा, 182। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी, अब हमें इक्वेशन क्या करनी है, बनानी है, और क्वेश्चन में कंडीशन दी है और आप वहाँ से इक्वेशन को बनाइए। कंडीशन ये है कि आप दो नंबर निकालिए और वो नंबर इस तरह से हो कि उनका सम तो कितना हो, 27, और उनकी प्रोडक्ट कितनी हो बेटा, 182। तो ध्यान से देखिएगा,
दो नंबर जिनका सम 27 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इज x. मैंने क्या मान लिया पहला नंबर x. एक बात बताइए, मैं ये कहूँ कि दो नंबर का सम 10 है, द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 10, आउट ऑफ विच वन इज 4, उनमें से एक 4 है, दूसरा कितना होगा? सीधी सी बात है, सम 10 है दो का, उसमें से एक 4 है, तो दूसरा क्या होगा, 10 माइनस 4 एंड दैट इज व्हाट, 6. सेम कंडीशन यहाँ पे दी है, सम ऑफ दिस टू नंबर इज 27, एक क्या है x मान लिया मैंने, देन द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज व्हाट, 27 माइनस एक्स. भाई दो का सम 27 है ना, उसमें से एक को आपने क्या मान लिया x, तो दूसरा जनरली क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है सर, 27 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है सर कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो 182 है. प्रोडक्ट मीन्स x इंटू 27 माइनस एक्स. भाई नंबर तो यही है आपके, नंबर तो यही है ना, इनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है बेटा, 182. बस ये क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो नंबर का सम 27 दिया है, उनकी प्रोडक्ट 182 दी है, और आपको ये देखना है कि आपको नंबर बताने हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने पहला नंबर क्या मान लिया बेटा, x. तो सिंपल सी बात है कि दो का सम दिया है, उसमें से एक आपने मान लिया, तो जो दूसरा नंबर होगा वो टोटल सम में से पहले वाला माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर. द सेकेंड नंबर इज दिस. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज हाउ मच, 182. नाउ व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x की 27 से, 27x माइनस x के x से करेंगे बेटा x स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 182. मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को उधर भेज रहा हूँ, इधर क्या बच जाएगा, 0, उधर क्या था 182, ये 27x उधर जाएगा, प्लस का है बेटा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का था, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का. मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस हाउ मच, 182 एंड दैट इक्वल टू 0. इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज. इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज, ए द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ व्हाट विल वी डू, वी हैव टू फैक्टराइज, कंपेयरिंग वन विद व्हाट, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन व्हाट इज ए, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1, व्हाट इज बी, द वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स, देन बी इज व्हाट, माइनस 27 एंड सी इज व्हाट, 182. मेरे पास ए बी सी की वैल्यू है सर, क्या करूँगा, सिंपल सा लॉजिक है सर, ए सी 1 इंटू 182 कितना आया, 182, एंड बी इज व्हाट, माइनस 27. कीप इन माइंड दैट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर दैट यू हैव टू चूज इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड द सम इज नेगेटिव. ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, सम क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि दो नंबर की प्रोडक्ट्स आपको प्लस चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, वो दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे या फिर वो कैसे होंगे, माइनस के. इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी दैट बोथ ऑफ आर विच ऑफ साइन, ये बी पे डिपेंड करता है कि जो दो नंबर आप चूज करेंगे वो किस साइन पे डिपेंड करते हैं. नेगेटिव है भी, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया क्या कि जो दो नंबर हम चूज करेंगे कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे. अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं फैक्टर कर रहा हूँ किसके बेटा, 182 के. देखिए 2 से 9 1 ठीक है, फिर होगा आपका 7 13, क्योंकि 291 में डिवाइड किसी का ही नहीं होगा, प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर से हो सकते हैं इसके, 7 से 13. अब आपको इस तरह से एडजस्ट करना कि उनका सम 27 हो. देखो 7 टू जा 14 और ये कितना है 13,
दोनों माइनस के करने हैं, माइनस के। अब देखिए इनका सम कितना आएगा बेटा, -27 आया कि नहीं सम इनका, -27। और प्रोडक्ट तो इनकी 182 होनी है, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर भी तो इसी के ही है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स आर, -39 बेटा -14। देन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये थी सर हमारी एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इक्वल टू व्हाट, 0। देन आवर फैक्टर्स आर -13 -14, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 एंड दैट इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन, x, यहाँ क्या बचा है x और यहाँ 13, क्योंकि ये x तो गया बाहर, फिर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे क्या 14, x प्लस में से माइनस आपने कॉमन लिया क्या बचेगा माइनस, 14 वन जा 14, 4 14 3 जा 42 एंड दैट इक्वल्स टू 0। मैच द टर्म प्लीज, देखिए टर्म सेम है, कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा बेटा ये x माइनस 13, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 14 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सेम वही केसेस, आइदर x माइनस 13 0 और x माइनस 14 0, देयरफॉर x इज व्हाट 13 और यहाँ से x कितना जाएगा बेटा 14। इसका मतलब x 13, पहला नंबर 13, दूसरा कितना हो जाएगा 14, और अगर x 14 है तो ये कितना हो जाएगा 13। तो दो दो नंबर आपको चूज करने हैं, वो कौन कौन से होंगे 13 और 14। आप देख लीजिए इनका सम 27 है और इनकी प्रोडक्ट कितनी बेटा 182। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल करते हुए बस ध्यान में ये रखें कि जो साइन कन्वेंशन यहाँ प्रोडक्ट और एडिशन में है वो आप गलत ना करें। इक्वेशन बनाएं, कंपैरिजन करें, एबीसी की वैल्यू फाइंड करें, प्रोडक्ट देखें, सम देखें, फैक्टर करके वहाँ से नंबर चूज करें, पुट करें, कॉमन लें, इक्वल टू जीरो रखें और वैल्यू फाइंड करें। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें फैक्टराइजेशन में इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।